हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये है मिनी दिया। इसमें स्मोकी, हाफ बेक्ड सभी मिक्स्ड है। देखिए ये हाफ बेक्ड है और ये स्मोकी में है। ये कितना छोटा है मैं दिखाती हूँ आपको हाथ में लेके। देखिए मैं मिनी सॉसर के ऊपर इसको रख रही हूँ तो आपको पता चलेगा इसका साइज़। देखिए ये मिनी सॉसर है, उसके ऊपर हम इसको रख रहे हैं। देखिए ये कितना छोटा है। ये दिया अवेलेबल है स्मोकी में, हाफ बेक में। स्मोकी में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि स्मोकी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, अर्दी होता है बहुत ज़्यादा। तो देखिए कितना छोटे छोटे पीसेस में है ये। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मिनी दिए हैं ये 1 kg 250 में है इंक्लूडिंग शिपिंग। देख लीजिए, मैं इसको पानी में डाल के दिखाऊंगी क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत अर्दी है हमारे। ये देखिए और ये थोड़ा स्मोकी में है। देखिए मैं इनको पानी में डाल के रखती हूँ, उसके बाद दिखाते हैं। और ये देखिए, मैं एकदम नज़दीक से आपको दिखाती हूँ। देख लीजिए ये थोड़ा मोटा होता है, हम जो बनवाते हैं दिए थोड़ा मोटा होता है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये मोटा है तो ये हार्ड होगा। ये एकदम भी हार्ड नहीं है। हमने इनको पानी में डाल के रखा है ना, मुझे ये इस तरह के स्मोकी ज़्यादा पसंद आता है। देखिए ये देखिए कलर देखिए इसका, मुझे इस तरह के स्मोकी दिए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये थोड़ा मोटा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हार्ड होगा। ये बहुत ज़्यादा अर्दी होता है। देखिए और हमने इस तरह के एक दिए भी बनवाए थे, ये मुल्तानी से बना हुआ है। एक ही बनाया है हमने जस्ट इसको टेस्ट करने के लिए कि ये कैसा होता है। देखिए इस तरह के दिए, लेकिन ये हमारे स्टॉक में नहीं है। कोई भी ये फ़ोटो भेज के ऑर्डर मत कीजिएगा क्योंकि ये हमारे स्टॉक में नहीं है। ये सिर्फ हम एक पीस बनाए थे। अब मुझे देखना था कि इस कैसा होता है। ये थोड़ा हेवी है और मोटा भी है। देखिए इसके सामने इसका कलर देखिए, ये मुल्तानी से बना हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, हमारा जो मुल्तानी का क्लेपॉट होता है वो प्योर मुल्तानी का नहीं होता। प्योर मुल्तानी से जो लोग क्लेपॉट बनाते हैं उनको बनाने में बहुत परेशानी होता है, मतलब वो बनता नहीं है अच्छे से, वो टूट जाता है। मुल्तानी इतना लाइट वेट होता है और मिट्टी का जो स्ट्रॉन्ग वो मुल्तानी में नहीं रहता है, इसीलिए उसमें थोड़ा हमें ग्रेव हार्बर क्ले मिक्स करना पड़ता है क्योंकि वो मिट्टी का बर्तन को जो टाइटनेस आता है वो ग्रेव हार्बर से आता है। देखिए ये जो दिया है कितना सॉफ्ट, आप देखिए ये दिया मैंने थोड़ी देर पानी में रखा था। देखिए ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मैं तोड़ूंगी नहीं इसे, मुझे तोड़ने में, लेकिन टूट जाता है बहुत जल्दी। देखिए मैंने इसको किस ज़्यादा देर तक पानी में नहीं रखा, लेकिन फिर भी ये कितनी आसानी से टूट रहा है। देखिए और इसका आवाज़ से आपको पता चलेगा कि ये कितना अर्दी है। ये जो दिया है देखिए, बहुत ज़्यादा इसका ये दिया पानी में डालते ही इतना अच्छे से स्मेल आता है ना, जो मुझे बहुत पसंद है। मिट्टी का जो स्मेल होता है वही सबसे ज़्यादा लगता है। इसको थोड़े से खाने का मन भी कर रहा है मुझे, लेकिन खाऊंगी बाद में। देखिए कितना सॉफ्ट है ये।
आपको कोई साउंड नहीं आएगा क्योंकि ये एकदम सॉफ्ट है। देखिए इसका जो बेस पार्ट होता है ना वो थोड़ा मोटा होता है तो वो हाथ से ज़्यादा टूटता नहीं है, लेकिन ये भी हार्ड नहीं होता है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो फ्रेंड्स ये दिया अभी अवेलेबल है विदाउट डिज़ाइन वाला, आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये पानी में रखने से बहुत सॉफ्ट हो जाता है, तो जिनको हार्ड क्रंच पसंद है वो ड्राई क्रंच भी कर सकते हैं। बाय फ्रेंड्स।